यो हेलो गेमर्स, की हाल चाल है। वी आर बैक विथ अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं डाउन्स लैंड। अब इस गेम में भी हम लोग पैल वर्ल्ड की तरफ पोकेमॉन्स को कुटैया कर सकते हैं, बड़े बड़े मॉन्स्टर को मार सकते हैं, अपने लिए बेस बना सकते हैं और पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब कि कुल मिला के मजे बहुत आने वाले हैं। लेट्स गो, वेलकम टू पोकेमॉन्स वर्ल्ड। बाकी वेट, ओ हेलो, वाह यार, वहाँ पे मुझे उड़ने वाला एक पोकेमॉन दिख रहा है। मुझे पोकेमॉन बहुत सही लग रहा है, मुझे ये चाहिए उड़ने वाला। तेरी भक्ता का ये ले, लगा उसको, उसको लगा है मेरा वो। ओ नहीं 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 भाई भाई, ये तो नीचे छुपा था, ये ले बच गया। गाइस मुझे पोकेमोन चाहिए तो चाहिए, ये ले लगा लगा उसको, लगा। कहाँ गिरा है भाई? वेट भाई, हेलो, ये कौन है? मुझे तो ये पोकेमोन कहीं से नहीं लग रहे, मुझे तो ये एक बहुत डेंजरस मॉन्स्टर लग रहा है। हालांकि मैं इसे यहाँ पे एक बो दूंगा सर पे, बाकी यार वो तो बहुत ढीला निकला। खैर मुझे सामने एक डियर पोकेमोन दिख रहे, मतलब पोकेमोन का तो यहाँ पे बथेरे है। अच्छी बात ये है गाइस कि अभी सुबह हो रही है। बाकी वेट यार, हेलो, हमसे पंगा लेने के लिए कहाँ आ रहे तू? तेरी ऐसे की तैसी, निकल यहाँ से। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम ना, ये डायमंड का हथौड़ा मुझे दिया गया था, इसकी रुक जा, आजा, लड़ेगा भिड़ेगा हमसे, तेरी ऐसे की तैसी, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये डायमंड का हथौड़ा मुझे एक मॉन्स्टर के मार के मिला था, जो कि मुझे विलेजर लोग ने दिया था। लेकिन भाई कौन मारा हमको तीर? दिखा दे शकल, दिखाइयो। हथौड़ा मारूंगा कहीं का नहीं रहेगा। अच्छा रुको, भाग रहा है तेरी ऐसे की तैसी, ये ले। ओ भाई भाई, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है हथौड़ा। ये क्यों मार रहा है हमको तेरी? इतना मारते सब कुछ समझ में नहीं आता है। और ये एक सुअर आ रहा है मेरे पे। ओ भाई बच के, अरे 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 अरे, आराम से ये ले जा डायरेक्ट ऊपर। तो हम लोग इस सब पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने बेस, जो कि मैं यहाँ से आराम से टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। लेट्स गो भाई। और आज अपना टास्क ये होने वाला है कि आज अपने लोग को एक घर बनाना होगा और एक मॉन्स्टर से लड़ना होगा। भाई मजे आने वाले। लास्ट टाइम आपको याद होगा एक मॉन्स्टर से लड़े थे, उसके बदले अपने लोग को डायमंड का जो है ना हथौड़ा मिला था, जो कि बहुत पावरफुल है। तो गाइस अपना बेस यहाँ से बहुत दूर है। बाकी वेट, ये उड़ने वाला पोकेमोन, एक सेकेंड, रुको रुको रुको, शायद से मैं इसे टेम कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ये भाग गया। अब इसको क्या हो जाता है अचानक से? तेरी भैंस की आंखें, रुक जा बेटे, तो मुक्के से मारूंगा। ये ले तेरे लिए बस मुक्का ही काफी है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग विलेज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे अपना बेस होने वाला है। बाकी यहाँ पे दो डियर आपस में ही भिड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस रेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जाने के लिए। और वो सामने आपको दिख रहा है, वही मेरा घर है। घर क्या ही बोले यार, घर तो कुछ है ही नहीं। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया भाई। ये रहा अपना बेड और वो पीछे कैंप फायर जो कि जल रहा था, और बारिश के चक्कर में गया भाई, बारिश के चक्कर में। इस पे हम लोग खाना पकाते हैं। खाने से याद आया मेरे पास अभी ना रिसोर्सेज बहुत कम है, और आज अपना टास्क ये होने वाला है कि आज अपने लोग को एक बड़े मॉन्स्टर को हराने जाना है, बाकी अपने लोग के लिए घर बनाना है। देख रहे हो बारिश में हम लोग भींगने वाले हैं। भींगने वाले क्या, इसकी वजह से भींग रहे हैं। वेट, एक काम करते गाइस, घर अभी बना लेते। रुको वेट अ सेकंड, ये रहा भाई स्ट्रक्चर। हल्का सा मैं अपने घर को बढ़ाने वाला हूँ, एक मैं यहाँ पे लगाता हूँ और एक यहाँ पे जाने वाला है, ये ठीक है। इसे अभी घेरने की बारी है, मतलब कि पूरा एकदम अपने घर को कवर कर देगा, बारिश टच भी ना कर पाए। बाकी मेरा घर का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बेकार है, अभी फिलहाल के लिए तो अपने लोग यही कर सकते हैं, क्योंकि बारिश से बस बचना है। बारिश से अगर भींगेंगे ना गाइस, तो अपने कैरेक्टर को ठंड लग जाएगा, हेल्थ बहुत ज्यादा ये लूज करता है। अपने पास वुड तो है, बट एक चीज की कमी होगी, मतलब कि अपना घर इनकम्प्लीट ही रहने वाला है। खैर ठीक है गाइस, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, अपने लोग को जाना होगा उस मॉन्स्टर को हराने, बाकी बारिश को होने देते हैं। अगर बारिश के चक्कर में रहेंगे ना, हम लोग कभी नहीं वहां पे पहुंच पाएंगे। बाकी वेट यार, आपको याद होगा पिछले बार मेरे पास एक घोड़ा था, इस पे अपने लोग बैठ के कहीं भी जा सकते थे, बट अभी यार पता नहीं वो घोड़ा कहाँ चला गया। तो अपने लिए बढ़िया यही होगा कि मैं अपने लिए एक हॉर्स खोजू पहले, फिर उसके बाद उतना दूर जाओ, क्योंकि यार मॉन्स्टर का घर कुछ ज्यादा ही दूर है। सामने मुझे बहुत सारे पोकेमोन्स दिख रहे हैं, बट इसे अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अपना टारगेट वो बड़ा मॉन्स्टर को हराना है। अब मैं भी नहीं जानता कि वो मॉन्स्टर कितना, अरे हेलो एक सेकंड, डियोर तो भाई बहुत ही गलत टेबल फंसी है अंदर, मतलब बारिश से छुपने के लिए ये पूल के अंदर ही नुका गई है। पता नहीं ये मौसम कब ठीक होने वाला है। अरे अरे अरे, आराम से आराम, उसकी भैंस की मार ले, ये ले घूसे खा तो, निकल यहाँ से, खाले के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाता है। बाकी यार इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, मुझे यहाँ तक सही से, ओ तेरी इसकी भैंस की आंख, वेट, अबे तेरी, रुक जाओ। नहीं मैं इस मॉन्स्टर की बात नहीं कर रहा था, मैं तो दूसरा मॉन्स्टर की बात कर रहा था, बट ये मॉन्स्टर बहुत ही डेंजरस लग रहा है, और शायद से मुझको ही टारगेट लिया है। इसको बताना होगा, रुको गाइस, इससे अपना लोग को फाइट लेना होगा। बो निकाल लेता हूँ, क्योंकि बो का एक फायदा होता है, आप दूर से ही मार सकते हैं इस मॉन्स्टर को। देख यहाँ से, ये ले हेडशॉट। ओ भाई पड़ी उसको, ये मेरे पीछे आ रहा है, और वेट बच गए भाई, अरे भाग लो यहाँ से। ओ भाई 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 भाई, वेट तेरी ऐसे की तैसी, निकल। अबे सुअर तो खाली पीली हमको डैमेज दे रहा है, आजा मॉन्स्टर आजा। ओ
भाई हेलो भाई, इससे लड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है। एक तो इतना ज्यादा जोर की बारिश हो रही है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है सही से। इस मॉन्स्टर की तो ऐसे की तैसी, ये ले हेडशॉट। अभी बता, अभी बोल फालतू, ये ले मारो इसको। वेट, कूदने वाला है और मेरा एरो भी खत्म हो गया। शिट, अभी गाइस बारी है ये डायमंड का हथौरा इस्तेमाल करने का। इतना बड़ा मॉन्स्टर क्या डैमेज दे पाएगा मेरा डायमंड का हथौरा? लेकिन नहीं, बहुत जोर की मारा है। जैसे ही जंप करने वाला होगा ना, हल्का सा दूर जाऊंगा और जैसे जंप करेगा मैं इस पे अपना हथौरा मारूंगा बहुत तेज वाला। पड़ी है इसको बहुत जोर की, ये ले हथौरा का पावर देखो, जमाइए दिया। भाई 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 ये फिर भी मार रहे थे, ये ले तेरी भैंस की। अभी बता फालतू, हम लोग एक बहुत बहुत बड़े भाई साहब क्या ही मारे यार इसको, बहुत बड़े मॉन्स्टर को अभी हम लोग गिरा दिए यार। कूटे बहुत तगड़ा लेवल का, मतलब इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये हथौरा कितना ज्यादा पावरफुल है। बाकी अपने लोग को ये मॉन्स्टर से तो फाइट नहीं करना था, इससे भी डेंजरस मॉन्स्टर से अपने लोग को फाइट करने जाना है। अभी इसी में बोलेगा हम पे, हट निकल यहाँ से। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग लगभग पहुंच गए। वो सामने आपको दिख रहा है एक अजीब सा लोकेशन, वहीं पे एक डेंजरस मॉन्स्टर आता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा डेंजर है। खैर ठीक है, अपने लोग को ना उसको बुलाना होगा। उससे पहले कि मैं मॉन्स्टर से लड़ूं, मैं अपना हेल्थ हल्का सा बढ़ा लेता हूं। अभी अच्छी बात यह कि बारिश भी खत्म हो गया है। वाओ, पहले तो अपने लोग एरो क्राफ्ट कर लेते हैं कि मैं उस मॉन्स्टर से पास से नहीं लड़ना चाहता हूं, दूर से लड़ूंगा ज्यादा बेटर रहेगा। दूर से डैमेज दे दूंगा, फिर पास में जाके ये अपना डायमंड का जो एक्स मारूंगा ना उसके सर पे, मजा आ जाएगा। वो आ गया है, पूरा हर कुछ हिलने लगा। वेट भाई हेलो, इतना ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर रहेगा तेरी ऐसे की। ओ नहीं यार, इतना जोर से मारा, हवा में ही उड़ा दिया हमको। भाई 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 भाग लो, अपने लोग को इसको दूर से ही मारना होगा। हल्का फल्का बस डैमेज जा रहा है, बाकी हेडशॉट दूंगा ना तो थोड़ा ज्यादा डैमेज जाएगा। ओ शायद से वो मुझे देखा नहीं है। ओ आ रहा है भाई, ये सुअर दोबारा से बीच में कबाब में हड्डी बनने के लिए क्यों आ गया है? लगी है उसको सर पे लगी, वो अपना सर पकड़ के रो रहा है मॉन्स्टर। तेरी ये सुअर, निकल यहाँ से। बीच फाइट में पता नहीं क्यों आ जाता है। चले, ओ नहीं नहीं, भाग। ओ भाई बच गए, मतलब कि गाइस जैसे अपना तलवार चलाएगा ना अपने लोग को हट जाना है, और यही स्ट्रेटजी भी मैं काम करने वाला हूँ। बाकी ये अब कौन सा पावर इस्तेमाल कर रहा है, ये तो पगला गया है। ये ले अभी गाइस बारी इस डायमंड हथौरा को है ना इसके सर पे मारने का। तेरी ऐसे की तैसे, निकल तेरी। अभी बोल फालतू, भाग ले अभी उसको लगी है भाई जोर से तेरी, निकल। अभी बोल फालतू, बहुत बहुत ज्यादा हेल्थ गया है इसका। और ओ नहीं, अरे हट जा, जी अपना पावर इस्तेमाल करने वाला है। कर लिया और उसको लगा है चोट, ये ले। अभी बोल गाइस, अपने लोग इसको हराने वाले हैं, ये ले। अभी एक बहुत बेस्ट हथौरा मारने वाले और अपने लोग का ये जो मॉन्स्टर है ये हार चुका है, और इस मॉन्स्टर को हराने से अपने लोग को बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मिला है। वाओ, लेवल 10 भी हो गया है अपना। सबको उठाओ पहले यार, सबको उठाओ, बहुत बहुत ज्यादा सामान मिला है। भाई मॉन्स्टर को हराने में हालत खराब हो गया। खैर ठीक है यार, अपने लोग हरा लिए यार, इतना भी अपने लोग नूब नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो अपने लोग आज एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को हराए हैं, अपने लिए छोटा मोटा घर बनाए, घर तो मैं नहीं बोलूंगा, इसको हल्का फल्का और कंप्लीट करने की जरूरत है, बट अपने पास अभी वुड नहीं है। खैर ठीक है गाइस, अभी तो ये बस एक छोटा सा मॉन्स्टर था, अभी तो और बड़ा बड़ा मॉन्स्टर को हराना बाकी है। गाइस बस आज तो यार इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक मार देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब मार देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।